बिल्कुल आपको सलाह दिलवा देते हैं। और सुजलॉन तो इन स्तरों पर बहुत ही अच्छे लेवल पर आपने एंट्री की, क्योंकि मुझे ध्यान है कि हमारे चैनल पर भी काफी सारे एक्सपर्ट इन स्तरों में सुजलॉन पर एंट्री करने की सलाह भी दे रहे थे और वहां पर देखिए उनको फायदा भी हुआ। और टाटा मोटर्स DVR वहां पर भी हम देख पा रहे हैं कि उस स्टॉक में भी आपको गेन हो रहा है। महेश जी आप सलाह दीजिए, सुजलॉन एनर्जी में भी ये गेन में है, 22 रुपए पर लिया था इस स्टॉक को, और टाटा मोटर्स इन्होंने 643 पर लिया था करीब 250 शेयर्स, यहाँ पर भी इनको गेन ही हो रहा है। और लॉन्ग टर्म निवेशक हैं, समय दे सकते हैं दोनों ही शेयरों को। तो अभी जो लेवल्स दिखाई दे रहे हैं, थोड़ा इनको प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए या फिर लॉन्ग टर्म निवेशक है इसलिए बने रहे दोनों शेयरों में? डेफिनेटली सुजलॉन के अंदर जो है काफी इम्प्रूवमेंट, पहले से काफी इम्प्रूवमेंट हो चुके हैं। अब यहाँ से भी एक जो है और ज्यादा अपसाइड जो है सुजलॉन के अंदर अपने को देखे तो सेक्टर स्पेसिफिक के ऊपर भी गवर्नमेंट का जो है पॉजिटिव स्टैंड रहेगा। और आगे आने वाले दिनों के अंदर देखेंगे कंपनी की जो बैलेंस शीट है वो कहीं और भी इम्प्रूवमेंट होने के पूरे पूरे चांसेज है। कंपनी की ऑर्डर बुक है वो दिनों दिन इम्प्रूवमेंट हो रही है, तो ये स्टॉक्स के अंदर लॉन्ग टर्म का नजरिया रख के बने रहिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यहाँ से भी आप इनको, जैसे इनका नजरिया काफी लॉन्ग टर्म के हिसाब से ही है, तो यहाँ से बने रहिए। टारगेट जो है आप 75 से 80 के बीच में अपने माइंड में रखिए, थोड़ा सा लॉन्ग टर्म नजरिया जो आपका है उससे थोड़ा सा और बढ़ा लीजिए। तो सुजलॉन के अंदर डेफिनेटली बने रहने की सलाह है, तो सुजलॉन में बने रह सकते, होल्ड करिए। दूसरा आपका है